नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। केरल में 103 साल के एक बुजुर्ग ने कोरोना को मात दी। 20 दिन पहले इनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। मंगलवार को पूरी तरह ठीक होने के बाद इन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। ऐसे और उदाहरणों की कमी नहीं है हमारे देश में, जहां उम्र दराज लोगों ने कोरोना जैसी महामारी को न सिर्फ मात दी और एक उदाहरण भी बने। देखिए रिपोर्ट। केरल में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच एक अच्छी खबर आई है। यहाँ 103 साल के कोरोना मरीज ने बीमारी को पूरी तरह मात दे दी है। इस बुजुर्ग मरीज का रिकवर होना केरल के लिए बड़ी खुशखबरी है। हाल ही के दिनों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बुजुर्ग मरीज का रिकवर होना अच्छा संकेत माना जा रहा है। इस मरीज का नाम पूरा कट्टा वेटल पारिद है, जो अलुआ के रहने वाले हैं। पारिद का कोची में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। 20 दिन पहले इनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। मंगलवार को पूरी तरह ठीक होने के बाद इन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने कहा कि पारिद का रिकवर होना केरल के लिए बड़ी उपलब्धि है। शैलजा ने कहा, मेडिकल कॉलेज के हेल्थ वर्कर्स और उनकी ओर से की गई देखभाल का नतीजा है कि मरीज ठीक हो गए। यह अस्पताल के हेल्थ वर्कर्स की निष्ठा का नतीजा है। पारिद के इलाज में जितने भी लोग शामिल रहे, मैं उनके कार्य की सराहना करती हूं। केरल से इससे पहले भी कई बुजुर्ग कोरोना को मात दे चुके हैं। कुछ दिन पहले 105 साल की एक बुजुर्ग महिला इस बीमारी से रिकवर हुई थी। उससे पहले 83 और 88 साल के एक दंपति ने कोरोना को मात दी थी। केरल में सबसे ज्यादा उम्र के रिकवर हुए मरीज में इनके नाम दर्ज हैं। वहीं कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले की 110 वर्षीय सिद्धमा ने साहस और जीने की दृढ़ इच्छा शक्ति की अनूठी मिसाल पेश करते हुए कोरोना वायरस को मात दे दी है। ठीक होने के बाद डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम ने सिद्धमा को बधाई दी। सिद्धमा के परिवार में उनके 5 बच्चे, 17 पोते पोतियां और 22 परपोते और परपोतियां हैं। अस्पताल से छुट्टी के समय जब सिद्धमा से पूछा गया कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद क्या उन्हें डर लगा, तो उनका कहना था, मुझे किसी से डर नहीं लगता। उन्होंने अस्पताल में मिले इलाज और भोजन को लेकर संतोष व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 105 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना को मात दी। अफगान की मूल निवासी महिला ने कोरोना वायरस को शिकस्त देकर धैर्य और जीने के दृढ़ संकल्प की शक्ति को दिखाया है। वह अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अफगानिस्तान की मूल निवासी राबिया इस बीमारी से पीड़ित थी। उनकी तबीयत खराब होने पर उनकी कोरोना जांच कराई गई। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद राबिया को 15 जुलाई को शारदा अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में उन्हें 15 दिनों तक रखा और उनका इलाज किया गया। उस उम्र में भी उन्होंने कोरोना को मात देकर कोरोना को जानलेवा समझने वालों के सामने उदाहरण पेश किया। और कुछ समय बाद राबिया की रिपोर्ट नेगेटिव आई। जब उन्हें उनकी रिपोर्ट का स्टेटस बताया गया तो वे बेहद खुश हुई। साथ ही दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 106 साल के बुजुर्ग और 70 साल का उनका बेटा दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। दिल्ली में 100 वर्ष से अधिक उम्र के एक बुजुर्ग हाल ही में कोविड-19 से संक्रमित हुए और उनके बेटे की तुलना में अधिक तेजी से स्वस्थ भी हुए। इस बुजुर्ग शख्स की उम्र साल 1918 में स्पेनिश फ्लू के समय 4 साल की थी। उनके बेटे की उम्र अब करीब 70 वर्ष की है। डॉक्टरों ने बताया कि 106 वर्ष के रोगी को हाल में कोविड-19 से ठीक होने के बाद राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है। कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद अस्पताल से उनकी पत्नी, बेटे और परिवार के अन्य सदस्यों को भी छुट्टी दे दी जा चुकी है। एक वरिष्ठ चिकित्सक ने बताया, वह दिल्ली में कोविड-19 के पहले मरीज हैं जिन्होंने इसी तरह की महामारी स्पेनिश फ्लू का 1918 में भी सामना किया था। स्पेनिश फ्लू ने भी पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी और वह न केवल कोविड-19 से ठीक हुए बल्कि अपने बेटे से भी तेजी से ठीक हुए। उनके बेटे भी काफी बुजुर्ग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।